नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से एक इंपॉर्टेंट नोटिस निकाली गई है कार्यपालक सहायक से जुड़ी, और उस इंपॉर्टेंट नोटिस में ये बताया गया है कि 35 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कार्यपालक सहायक जॉब के लिए दो बार ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। हाँ दोस्तों, दो बार ऑनलाइन आवेदन कर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर बता दें, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 35 आवेदक द्वारा दो बार ऑनलाइन आवेदन किया गया है, तो उनका जो एक डुप्लीकेट फॉर्म है उसको कैंसिल किया जा रहा है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। आप वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, कहीं आपका नाम तो लिस्ट में नहीं है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हम आपको बता दें, जैसे आपने लिस्ट में नाम देख लिया, आपका लिस्ट में नाम है या आपने फॉर्म दो बार ऑनलाइन आवेदन किया है, तो उनमें से एक डुप्लीकेट फॉर्म आपका कैंसिल किया जा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्होंने सूचना दिया है कि स्थापना शाखा बेगूसराय में जाकर आप ऑब्जेक्शन कर देंगे। यानी जैसे आपका फॉर्म दो बार ऑनलाइन आवेदन हुआ है, तो आप स्थापना शाखा बेगूसराय में जाकर ऑब्जेक्शन करेंगे, तो वहाँ पर आपका जो डुप्लीकेट फॉर्म है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आपका डुप्लीकेट फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और एक फॉर्म आपका रख लिया जाएगा कार्यपालक सहायक जॉब के एग्जाम के लिए। तो हम आपको बता दें, इन्होंने लास्ट डेट भी बताया है कि आपको जो ऑब्जेक्शन करेंगे उसका लास्ट डेट क्या है, 10/11/2018 शाम 5 बजे तक। हाँ दोस्तों, आप 10 नवंबर शाम 5 बजे तक ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्शन करने जाते हैं तो आपका फॉर्म पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा और आप कार्यपालक सहायक जॉब के एग्जाम से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं लिस्ट और बताते हैं किनका किनका नाम है लिस्ट में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टोटल लिस्ट दी गई है और टोटल यहाँ पर 70 नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने आपको बताया है कि 35 नाम दिए गए हैं, तो हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया है कि दो बार फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उन 35 कैंडिडेट का नाम यहाँ पर दो बार लिखा गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आभा कुमारी दो बार यहाँ पर नाम है, यानी इन्होंने दो बार फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो जाके जब ऑब्जेक्शन करेंगे अपने बेगूसराय जिला के स्थापना शाखा में, तो वहाँ पर इनका डुप्लीकेट फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा और एक फॉर्म रख लिया जाएगा। इस तरह आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया आदित्य कुमार और अमृत कुमार। इस तरह आप अपना अपना नाम चेक कर लीजिए। इस लिस्ट का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। जो लोग डिस्क्रिप्शन ओपन करना नहीं जानते हैं, जहाँ से आप कमेंट करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे ऊपर हमारा कमेंट रहेगा और इस पीडीएफ का लिंक रहेगा। वहाँ पर जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप ऑब्जेक्शन करना नहीं जानते हैं कि आपको कैसे ऑब्जेक्शन करना है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि ऑब्जेक्शन आपको कैसे करना है। तो जानकारी आपको दोस्तों कैसे लगी, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना।